கட்டடத்தை திறந்து வைக்கிறார் என்பதை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்திருக்கிறார். ஏற்கனவே இது சார்ந்த பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் அதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக இந்த கருத்தை அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார். இதுகுறித்து அவர் பேசிய காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம். நிதி பராயணதா से यह तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा इस एंगल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर ये अभिमंत्रित है, गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य से मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं चोला साम्राज्य सदियों से हमारे उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अरसे तक 800 साल से ज्यादा समय तक इस देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगोल जिसको प्राप्त होता है इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है जिसे तमिल में आणई कहते हैं। और इस एंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृत्तांत भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया, भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। आप सेंगोल की वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट की एक फिल्म भी बाद में देख सकते हैं। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया, मगर एक विद्वान और पूजनीय सम्माननीय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 1978 को परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर बी आर सुब्रमण्यम को सेंगोल वृत्तांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है। तमिल मीडिया ने भी परमाचार्य प्रमुखता से जगह दी और उसे जीवित रखा है। हम सब परमाचार्य के इसके लिए कृतज्ञ हैं। दिलचस्पी की बातें हैं कि तमिलनाडु सरकार ने भी इस भूमिका को गर्व के साथ प्रकाशित किया है। यह 2021-22 का HR&CE पॉलिसी नोट जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें दर्ज है। इस पर पैरा 24 में इसकी प्रक्रिया को ढंग के साथ वर्णित किया गया है। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र
और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। ये अमृत काल का प्रतिबिंब होगा जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। यह योजना अधिनियम के अध्यक्षों से विचार विमर्श कर बनाई गई है। यह सभी 20 अधिनियम के अध्यक्ष इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी को सेंगोल अर्पण करेंगे और इस पवित्र अनुष्ठान की पुनः स्मृति में अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत हर्ष की बात है कि 14 अगस्त 1947 की प्रक्रिया में जो स्वयं उपस्थित थे वो 96 साल के मुमिंडी बंगारू चिट्टी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं, उनका आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम को मिलेगा। यह घटना का दूरदर्शन और दी हुई लिंक से सभी मीडिया के माध्यमों से जीवंत प्रसारण देश भर के दर्शकों के लिए, नागरिकों के लिए भी होगा। और अब हम एक डिटेल फिल्म इस पूरी प्रक्रिया पर सांस्कृतिक विभाग ने बनाई है, इसको देखेंगे। Madras Presidency, Tamil Nadu. A group of people were preparing for the trip of their lifetime. They had been called to carry out an important mission to sanctify and legitimize the transfer of power from one ruler to another. Where were these people going? Delhi. India was getting ready for its freedom to be rid of the British rulers. After decades of people fighting for self-rule, thousands arrested, killed in action, chasing one goal, Azadi, freedom. The last Lord Mountbatten had a task to complete, to hand over power to the Indians. He had a simple query. How should this moment of handover be conducted? A handshake would hardly do. What is the symbolism that should be adopted for the moment? He posed this question to Pandit Jawaharlal Nehru. A good question. Something that needed thought. புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தில் தமிழ்நாடு ஆதீனங்கள் வழங்கிய செங்கோல் வைக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்த செங்கோலை பெற்று நாடாளுமன்றத்தில் வைப்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டினுடைய விடுதலை போராட்டம் சார்ந்த ஒரு சான்றாக பார்க்கப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த செங்கோல் என்ற கருத்தையும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்திருக்கிறார். முழு விவரங்களை பின்னர் வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம். He found the answer in India's past.